हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो अभी जो टाइम है वो 9:30 हो रहे हैं और हम लोगों का ना ब्रेकफास्ट तो हो गया था। तो अभी छत पर मैं आई थी साग को सुखाने के लिए, क्योंकि अभी मौसम बारिश वाला स्टार्ट होने वाला है। बारिश होती भी है तो जब भी धूप निकल रही है तो मैं उसमें कुछ ना कुछ सुखा ले रही हूँ, जिससे कि कोई भी चीज़ ख़राब ना हो। तो ये सर्दियों में मैंने जो साग लिया था उसको अच्छे से सुखाया था और अभी मैं फिर से इसे सुखा लूँगी। तो अभी अभी सभी लोगों ने लंच कर लिया है और लंच के बाद बच्चे ना फिर से शैतानी, यार क्या करूँ। जैसे ही मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ, यानी कि इनकी शैतानी पूरे दिन लगी रहती है। इनके स्कूल क्या बंद हुए, इनकी शरारतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जैकू महाराज सो रहे हैं, देखिए। ओ जैकू सो रहा है, सोने दो से। भूख निकल रही है, बार बार जा रही है। ऊपर मैंने मेथी का साग डाला हुआ है सुखाने के लिए, ठीक है। उधर रखो। तो अभी मैं छत पे जा रही हूँ, जो साग मैंने डाला था ना सुखाने के लिए उसको एक बार चेक कर लेते हैं। निकल रहा है, बहुत धूप पड़ रही है, अभी धूप पड़ रही है बहुत ज़्यादा। इसको थोड़ा सा ना, इतनी हवा नहीं चल रही है, इसी वजह से मैंने आज इसको ना सुखाने के लिए डाला हुआ है। अगर हवा चलेगी ना तो ये सारा का सारा उड़ जाएगा। अरे बाप रे, इतनी सारी धूप आ गई, अब तो बहुत तेज धूप हो रही है। थोड़ी देर और। क्यों उठ गए? ये देखो क्या जुगाड़ की हुई है। पता है अभी इसकी चेन नहीं आ पा रही है, इसने दो चेनों को तोड़ दिया है। पांच चेन तोड़ दी। ए मैं दो चेनों में से टुकड़े इसने पांच किए हैं, मतलब एक चेन से तीन टुकड़े किए थे, एक में से दो टुकड़े किए थे इसने। तो अभी इसको ये देख लो, यानी कि ये क्यों क्या चेन तोड़ने में बहुत एक्सपर्ट हो गए हो, है ना? हाँ, तो थोड़ी देर के लिए ना इसको बांध कर भी रखना होता है, वरना बहुत शैतानी करता है, पूरे घर में भागता रहता है, सबको परेशान करता है। ऐसा थोड़ी देर बांधना रखना, बांध कर रखना पड़ता है इसको। क्यों क्या हुआ, देखने दो तो, दर्द क्यों होता है तुम्हारे पैर में? ये देखो, ये अलग चेन का टुकड़ा है, ये अलग चेन का है, इसने इतनी बुरी तरह से चेनें तोड़ी है। चलो आज एक चेन और मंगाएंगे इसके लिए। तो यहाँ पर शाम हो गई थी, शाम के 4 बज रहे थे, 4 से ज़्यादा ही बज रहे थे, और ये हमारे शाम की चाय का टाइम होता है। तो मैं इस समय चाय बना रही थी और विशाल आज अपना काम करने में लगा हुआ है। विशाल आज अपनी पूरी जो अलमारी थी उसकी वो साफ करने में लगा हुआ था। सही है, इतनी देर से लगा हुआ है, पूरी अलमारी पूरी साफ करने में लगा हुआ है अपनी, पूरी अलमारी साफ करके अब उसको झाड़ू भी लगा दी। तब से लगा हुआ है, मेरे को बड़ा तरस आ रहा है, मान ही नहीं रहा है। चाय पी लो विशाल, चाय पी लो, चाय पी लो, ये किसी काम में आ जाएगा तुम्हारे बाद में। हमें गिलास में चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, तो ज़्यादातर हम गिलास में ही चाय पीते हैं। चाय दूँ? क्यों पियोगे नहीं तो चाय दूँ मैं, खुद ले लोगे? यानी कि अब बच्चा बड़ा हो गया है, हाँ बड़ा हो गया है।
बनाऊंगी। तो चलिए पहले से ट्राई कर लेते हैं। टमाटर को भूंज लिया है, टमाटर की चटनी बनाऊंगी, कटहल की सब्जी बन रही है और आटा गूंद गया है अभी। तो अभी मैं फटाफट से पहले इसको छील लेती हूँ, फिर इसके बाद इसकी चटनी बनाऊंगी मैं अभी। तो अभी शाम का टाइम है और 7 से ज़्यादा बज रहे हैं, तो अभी सभी लोग ना डिनर कर रहे हैं। आज हमारा डिनर बहुत जल्दी हो रहा है, हवा बहुत अच्छी चल रही थी ना इसीलिए, तो सभी लोग बहुत जल्दी डिनर कर रहे हैं आज। सब्जियों वही कटहल है, टमाटर की चटनी है, पूड़ियाँ हैं और इसमें गोभी की सब्जी है, सैलेड, तो सब लोग खा रहे हैं। साथ में खाते हो बहुत अच्छा लगता है। हम सबका डिनर हो गया है और मैं अभी जो बर्तन थे डिनर की छत से वो रखने आई थी। और इस समय टाइम हो रहा है 8:05 और सभी लोग छत पर हैं, तो छत पर भी कूलर लगा रखा है जिससे कि मतलब एक तो हवा चल रही है बहुत अच्छी है, कूलर भी चल रहा है ना, बहुत ठंडी ठंडी हवा है तो घर में थोड़ा अंधेरा है इस वजह से। तो आप लोग को कैसा लगा हमारा आज का ये ब्लॉग प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोगों से फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स। सब आराम से लेते हैं।